आज बिल्कुल 24 न्यूज़ के नाज़रीन, 24 न्यूज़ की फैमिली और पूरे मुल्क के लिए हम समझते हैं कि आज दो खुशियां जो हैं वो हम मना रहे हैं। एक तो मिनहसुल कौम हम अपना जश्न आज़ादी पूरे मिली जज्बे के साथ मना रहे हैं, वहीं दूसरी जानब 24 न्यूज़ आज अपनी छठी सालगिरह मना रहा है। 24 न्यूज़ ने हमेशा बलूचिस्तान की आवाज़ बनकर साबित किया कि वो हक और सच की बात को तरजीह देता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के जो सियासी कबायली शख्सियात हैं, जो कदावर शख्सियात हैं, वो भी इस बात का एतराफ़ करती हैं। और आज जब हम अपनी छठी सालगिरह मना रहे हैं तो बलूचिस्तान के जो कबायली शख्सियात हैं वो भी हमारे साथ हैं। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर साबिक सूबाई वजीर अली जतक साहब ने हमें जो है वो खुसूसी तौर पर वक्त दिया है ताकि वो हमारे इस खुशियों में शामिल हो सके। तो सबसे पहले हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, उसके बाद आज सबसे बात भी करेंगे, आज अली जतक साहब से पूछेंगे भी कि उन्हें 24 न्यूज़ की कारकर्दगी अब तक की कैसी लगी। तो सबसे पहले हम आज जो है वो बर्थडे केक काटेंगे 24 न्यूज़ का। अभी हम हाजी अली जतक साहब से पूछते हैं कैसा लगा उन्हें बलूचिस्तान के हवाले से 24 न्यूज़ की कवरेज। है सर, हमेशा से गिला रहा बलूचिस्तान के अवाम को कि हमें कवरेज नहीं मिलती, 24 न्यूज़ की जो कवरेज रही अब तक की उससे आप कहाँ तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक, और इसके साथ साथ जो आज हमारा बलूचिस्तान का अपना चैनल 24 का जो छठा सालगिरह है, 24 के तमाम जो कैमरामैन है, जो के मालिकान हैं, उन सबको मैं आज छठा सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज दो खुशियाँ जो है ना इकट्ठे हो गए, तो हमेशा हम अप्रिशिएट करते हैं 24 को, जो हमेशा बलूचिस्तान और खसूस बलूचिस्तान के जो देहाती इलाके के लोगों की आवाज़ को हमेशा इस्लामाबाद बल्कि मुल्क के कोने कोने में पहुंचाया है। उसने हमेशा बलूचिस्तान में रहने वाले मजलूमों का आवाज़ बन के उसने उस जगह पे हमारा आवाज़ पहुंचाया है जहां 70 साल से नहीं पहुँचे थे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपका चैनल को और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आपको, आपके चैनल के मालिक और उनके जो कैमरामैन है, जो साफी भारी है, उन सबको अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। अपना ख्याल रखो, इस मुल्क का ख्याल रखो। हमेशा आप लोग जब भी बलूचिस्तान का हालात सब आपको उनको पता है, जब भी कोई इशू होता है, कोई मामला होता है, आप लोग हम सबसे पहले वहाँ पहुँचते हो। तो अल्लाह पाक हमेशा आप हमको इस मुल्क की खुशी में और आपके चैनल के सालगिरह में हमेशा एक दूसरे को खुश रखें। जैसा कि आपने सुना, जतक साहब की जो उम्मीदें हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा, और हम इस अहद की तस्दीक भी करते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से जितनी भी कोशिश होगी हम भरपूर अंदाज में 24 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अवानों तक पहुँचाते रहेंगे। जी कर लें।